आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर ब्रेड पकौड़ा। कैफे स्टाइल बनाने जा रही हूँ। बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनता है, एकदम चटपटा मजेदार। और इसी के साथ दूंगी मैं कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी, जिससे कि आपका पनीर ब्रेड पकौड़ा बनेगा एकदम मार्केट के स्टाइल का। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विभा और चलिए शुरू करते हैं द मैजिक ऑफ फूड। पनीर ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप बेसन। बेसन यहाँ पर हम लेंगे एकदम बारीक वाला, क्योंकि उससे जो बैटर बनता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनता है। तो कैफेज में जो ब्रेड पकौड़ा बनता है उसमें हमेशा ही बारीक वाला बेसन यूज किया जाता है। और अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब हम इसमें जाएगा 1/4 चम्मच अजवाइन। थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर हींग, करीबन 1 पिंच के करीब। 1/4 चम्मच हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। अच्छे से इन सभी चीजों को मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स कर इसका बढ़िया सा बैटर बनाएंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। यहाँ पर मैं आप पहली टिप दे रही हूँ, क्योंकि जब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा मिलाना पड़ता है, जिससे कि अपने आप ही बेसन के अंदर आपकी बहुत सारी एयर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और आपका बैटर बनेगा बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप पानी मिक्स कीजिए और बढ़िया तरीके से मिलाते हुए इसका एक घोल बना लीजिए। देखिए हमारा बैटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। बेसन और पानी हमारा जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारा बैटर है बहुत ही ज्यादा गाढ़ा। तो अब हम इसको पतला करेंगे। ब्रेड पकौड़े के लिए जो बैटर होता है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाया जाता है, थोड़ा पतला रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा पतला भी नहीं हुआ, एकदम रनी भी नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरीके का हम बैटर बनाएंगे। तो हमारा बैटर अब बन के तैयार हो चुका है। इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। और इसी बीच हम तैयार करते हैं हमारे ब्रेड पकौड़े के लिए स्टफिंग। तो यहाँ पे लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल। इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच डालेंगे हम सौंफ और 1/2 चम्मच डालेंगे हम साबुत खड़ा धनिया। अच्छे से इसे भूनेंगे। तीनों चीजें हमारी अच्छे से लाइट ब्राउन कलर की हो जानी चाहिए और बढ़िया सी इसमें से खुशबू आनी चाहिए। और अब हम इसमें मिक्स करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच डालेंगे हम बड़ा बारीक कटा हुआ अदरक का। इसको भी हल्का सा इसके अंदर पका लेंगे। और अब हम इसमें मिक्स करेंगे मसाले। तो सबसे पहले डाल रही हूँ 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्च के पाउडर का, 1/2 चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला, 1/2 चम्मच जाएगा इसके अंदर आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच हम डालेंगे इसमें काला नमक और 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसमें काली मिर्च का। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट और बाकी सॉल्ट हम डालेंगे, यानी बाकी जो नमक है वो हम डालेंगे बाद में जब हम इसके अंदर आलू को मिक्स करेंगे। घी के अंदर हम इन सभी मसालों को थोड़ा सा पका लेंगे। पकाने से मसालों में से बहुत बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी। और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी के और इसको भी घी में पका लेंगे। ऑयल में जब हम कसूरी मेथी को पकाते हैं तो उससे उसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाता है। और अब हम इसमें मिक्स करेंगे 1/4 कप उबली हुई मटर। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर आपको थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मटर को बॉईल कर यूज किया है।
और अब हम इसमें डाल देंगे हमारे बॉईल किए हुए आलू। तो यहाँ पे मैंने 5 करीबन मीडियम साइज के आलू लिए थे, उन्हें हाथों से ही मैश करके मैं इसमें डाल रही हूँ और अब अच्छे से इसको मसाले के साथ हम कंबाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा आलू है वो अच्छे से मैश हो जाए, कोई भी इसके अंदर आलू का पीस नहीं दिखाई देना चाहिए। बढ़िया तरीके से हमारा जो आलू है वो मैश हो जाना चाहिए और जब हमारा आलू अच्छे से मैश हो जाए फिर हम इसे 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। और अब हम इसे मिक्स कर देते हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे करीबन 1.5 चम्मच के करीबन नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। और नमक को मिक्स करने के बाद बारी आती है आलू के मसाले को भूनने। तो 2 मिनट के लिए आप इसे मीडियम आंच के ऊपर अच्छे से आलू को भूनिए। भूनने से आलू का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाता है। तो 2 मिनट के बाद हमारा जो आलू का मसाला है वो अच्छे से भून के तैयार हो चुका है और अब हम इसे साइड रखते हैं ठंडा होने के लिए। और अब हम शुरू करते हैं हमारे ब्रेड पकौड़े की स्टफिंग। तो यहाँ पे मैंने एक व्हाइट ब्रेड का स्लाइस ले लिया है, आप किसी भी तरह की ब्रेड स्लाइस ले सकते हैं, लेकिन ब्रेड आप जो ले वो ताजी ब्रेड ना ले, एक दिन रखी हुई ब्रेड हो तो वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहती है। और इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे हमारे आलू के मसाले को, अच्छे से आलू के मसाले को स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ, किनारे बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए। और अब इसके ऊपर मैं रख रही हूँ एक स्लाइस, पतली सी स्लाइस ली है मैंने पनीर की। और अब इसके ऊपर हम एक सेकेंड ब्रेड की स्लाइसेस को कवर कर देंगे, अच्छे से हाथों से इसको दबाएंगे ताकि जो मसाला है और ब्रेड है वो अच्छे से चिपक जाए। देखिए हमारे जो ये सैंडविच है बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार हो चुकी है और अब हम इसे कट कर लेते हैं। हमारी ब्रेड जो है वो कट के तैयार हो चुकी है और अब हम इसे डिप करना है हमारे बेसन के बैटर के अंदर। तो सबसे पहले हम इसे किनारों से डिप करेंगे बैटर के अंदर। तो इस तरीके से आप पहले किनारों से डिप कर लीजिए और फिर इसको बीच में से भी बैटर से कवर कर दीजिए। और अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है मीडियम हीट के ऊपर और इसमें अब मैं डाल रही हूँ अपने ब्रेड पकौड़े, पनीर ब्रेड पकौड़े, और अच्छे से फ्राई करेंगे। ब्रेड पकौड़ों को हमेशा 2 बार फ्राई करना चाहिए जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और यमी बनते हैं। तो अभी मैंने ये फर्स्ट फ्राई के लिए इसको ऑयल के अंदर डाला है। तो इस तरीके से आप करछी से इसके ऊपर ऑयल को फैला दीजिए जिससे कि ऊपर से भी अच्छे से सिक जाए। और तो इसको थोड़ी सी देर सेकने के बाद आप इसे बाहर निकाल लीजिए, बहुत इसको ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा सेकने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। और अब हम अपने बाकी के पकौड़ों को भी इसी तरीके से हाफ फ्राई कर लेते हैं। तो ये हमारे जो पकौड़े हैं वो हाफ फ्राई होके तैयार हो चुके हैं और इनको थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे और थोड़ी देर के बाद हम इसे फिर दोबारा से फ्राई करेंगे। थोड़ी देर हो चुकी है हमारे पकौड़ों को रखे हुए और अब हम चलते हैं इसको डबल फ्राई करने के लिए। तो अब हम इसे दोबारा से ऑयल के अंदर डालेंगे, लेकिन अब यहाँ पर हमारे ऑयल का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा हाई रहेगा। तो थोड़े से हाई टेम्परेचर के ऊपर हम अपने ब्रेड पकौड़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हल्का सा क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए हल्का हल्का सा ये ऊपर से ब्राउन होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जितना ब्राउन आपको पसंद हो उतना ब्राउन आप इनको रख सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया हमारे ये फ्राई हो चुके हैं। तो लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही बढ़िया कैफे स्टाइल पनीर ब्रेड पकौड़ा। आप इसके ऊपर हल्का चाट मसाला स्प्रिंकल करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़िया हो जाता है। और सर्व कीजिए अपनी मनपसंद चटनियों के साथ या फिर केचप के साथ। एक बार इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा मजेदार बनते हैं। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक
शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।